हेलो दोस्तों, तरंगो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक पार्टी का घर पर टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आया है। तो दोस्तों, ये सैमसंग कंपनी की टीवी है ना, इसका जो प्रॉब्लम एक कॉमन फॉल्ट है। आप देख सकते हो, ये जो टीवी का चैनल ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इस टाइप जो प्रॉब्लम होता है तो आपको बताता हूँ कि इसका दो मेनली रीजन होता है। फर्स्ट जो रीजन होता है कि ये टीवी का जो अंदर जो पैनल बॉटम स्विच होता है, ये पैनल बॉटम स्विच प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये पैनल बॉटम स्विच पुश करके देख लेता हूँ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो तब भी ये वॉल्यूम प्लस स्विच देखिए, पुश करने के बाद वॉल्यूम लिखा जाने के बाद वो चला जाता है और कंटिन्यू चैनल चेंज हो जाता है। और दोस्तों, दूसरा कारण होता है जो टीवी का रिमोट होता है, ये टीवी का रिमोट मैं टीवी का पास ही रखा है और ये रिमोट का कुछ भी बॉटम शॉर्ट होने के लिए और ये रिमोट टीवी का पास होगा तो तब भी इस टाइप प्रॉब्लम होता है। तो ये रिमोट का मेनू बॉटम एक बार पुश करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये रिमोट का जो मेनू बॉटम है ये, तो मेनू बॉटम पुश करने के बाद तब भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। तो स्विच भी शॉर्ट हो सकता है, तो तभी रिमोट का जो बॉटम है, सॉरी रिमोट का जो बैटरी, एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। दोस्तों देखिए, जब ये रिमोट का बैटरी मैं ओपन कर दिया और इस टीवी जो चैनल चेंज ये स्टोर हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्या लगता है, ये रिमोट का ये रिमोट ही फॉल्ट है, रिमोट का चैनल प्लस बॉटम शॉर्ट है। तो दोबारा मैं ये बैटरी लगाया और अब देखिए खुद इसका चैनल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, एक्चुअली तो 100% कॉन्फर्म हो गया कि ये रिमोट ही फॉल्ट है। तो एक्चुअली ये जो छोटा सा जानकारी आपको दिखाया, ये आपको कैसे लगा है, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और ये चैनल पर अब नया है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और ये वीडियो देखने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है और एक फेसबुक पेज लिंक देख के रखा है। ठीक है, तो आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हो तो लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वो ग्रुप पर बहुत मेंबर अभी तक ज्वाइन हुआ है। ठीक है, और आप ज्वाइन होने के बाद आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी आप सेंड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए।